हेलो फ्रेंड, आज जो बना रहे हैं टी टाइम स्नैक्स है, बहुत इवनिंग में जो भूख लगती है। लेकिन कुछ हैवी अगर नहीं खाना, आपने लाइट ही रखना है सिस्टम को। और साथ में ये भी है कि कुछ चटपटा तीखा हो जाए चाय के साथ। तो ये भुजिया चाट ट्राई करें, बहुत सिंपल सी रेसिपी। तो क्या है, ये सिंपल दो चार चीजें इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये भुजिया जो है, थोड़ा मोटा भुजिया पड़ा था मेरे पास। आप आलू भुजिया, बेसन भुजिया किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से बहुत टेस्टी चाट बनती है ये। तो बारीक बारीक काट लेंगे हम। प्याज है, टमाटर है, खीरा भी डाल सकते हैं। मैंने खीरा नहीं डाला इसमें, खीरा डाल सकते हैं। और भी जो है इसके अंदर कॉर्न्स जो आते हैं, बॉयल कॉर्न्स भी डल जाते हैं। चीज भी डाल सकते हो आप। तो इन चीजों जो जो अवेलेबल है आपके पास, वेजिटेबल्स है, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं हम। यहाँ धनिया जो है वो डाल रही हूँ, थोड़ा रिफ्रेशिंग कर देता है इसके टेस्ट को। और इसके बाद जो पनीर, थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, हैवी हो जाता है। तो वैसे आप चाहो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पनीर डाल सकते हो, टमाटो कैचअप भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैंने नहीं किया है। तो मेरा टेस्ट जो है थोड़ा शेजवान की तरफ था, तो मैंने शेजवान सॉस डालनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी नींबू भी जोड़ दिया है, खट्टा मीठा जो खट्टा टेस्ट देगा, और शेजवान सॉस जो है वो टैंगी फ्लेवर देगा इसको। थोड़ी सी शेजवान सॉस डाल दी, चटपटा हो जाएगा ये। तो ये तीन चार चीजें मिक्स कर दी हैं मैंने। और टाइम अगर आपके पास नहीं है, लेकिन कुछ बनाने का भी मूड नहीं है लेकिन खाना है, तो हल्का सा लाइट स्नैक है ये। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ही डाली है मैंने इसमें। स्पाइसी बनाना है तो लाल मिर्च डाल सकते हैं आप। मैं थोड़ा लाइट ही रखना चाह रही थी, भुजिया भी थोड़ा लाइट ही था, तो काली मिर्च की जगह काली मिर्च और लाल मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये तैयार है हमारी भुजिया चाट है ये। इसी तरह से अगर इसमें क्रश करके पापड़ भी डाल सकते हो आप, भुजिया पापड़ चाट बहुत टेस्टी लगती है ये। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये। बेस्ट इवनिंग टी टाइम स्नैक है जब कुछ हैवी नहीं खाना। ये गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पनीर डाल रही हूँ मैं क्रश करके इसके ऊपर। तो ये देखिए चाय के साथ बहुत टेस्टी और बहुत लाइट, और पूरी अपने सारे टेस्ट बड्स को जो है वो ये पूरी तरह से सेटिस्फाई करने वाली अच्छी चाय है।